हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। एमटार टेक्नोलॉजी जैसा कि आप जानते ही हो दोस्तों, ये एक डिफेंस, एरोस्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है दोस्तों। ये एक छोटी सी कंपनी जिसका मार्केट कैप मात्र 6155 करोड़ का है। पी के लिहाज से देखें दोस्तों तो जहाँ इंडस्ट्री पी है 99.4, वही स्टॉक का पी है 109, यानी पी के लिहाज से स्लाइटली महंगा ज़रूर है। अगर वही हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो जहाँ बुक वैल्यू 220 रुपये का, वही करंट प्राइस इसका जो है 2001, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। वहीं डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.20, यानी डेट उतना नहीं है, बहुत कम है, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनेंशियल 2024 में इनका जो सेल्स था, जो रेवेन्यू था, वो था 580 करोड़ का। वहीं फाइनेंशियल 2023 में जो इनका रेवेन्यू था 573 करोड़ का, यानी रेवेन्यू में एक साल में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो डिक्लाइन आ गया, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 104 का सी एस ए 56 करोड़, यानी कि लगभग 50% का इनका नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आ गया। और वही अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यही चीज़ आपको यहाँ भी दिखती है। क्वार्टरली रिजल्ट का नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो यहाँ लगातार डिक्लाइन आया है। ये देखिए दोस्तों, मार्च 2020 का जो क्वार्टर है, यहाँ नेट प्रॉफिट है 30.74 का है, और ये लगातार डिक्लाइन करता गया है। 19, 20, फिर 10 हो गया, फिर सीएस है 5। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें दोस्तों, तो मार्च 2023 का जो मार्च क्वार्टर था और 2024 का जो मार्च क्वार्टर था, 30 से सीधे 5 आ गया इसका नेट प्रॉफिट, 30 करोड़ से सीधे से 5 करोड़। तो ये मैसिव डिक्लाइन है, और यही चीज़ आपको स्टॉक के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी। आप देख सकते हैं दोस्तों, 11 सितंबर 2023 का दिन था, इन्होंने हाई लगाया थे इस स्टॉक ने 2920 रुपये का, बट वहाँ से डिक्लाइन आया, और ये स्टॉक आप देख सकते हैं लगभग 45% का डिप दिखाया, और उसके बाद से यहाँ पर बेस बना रहा है। और इस स्टॉक का जो इसमें डिक्लाइन आने का जो वजह था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11% का यहाँ से संभलने की कोशिश कर रहा था इतना हाई बनाने के बाद, और उसके बाद से जैसे 11% का जो गैप डाउन दिया था, इसका जो मुख्य वजह था वो था कंपनी का गाइडेंस। कंपनी ने इस 2024 फाइनेंशियल के लिए जो था रेवेन्यू गाइडेंस बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, और आप देख सकते हैं रिजल्ट के टाइम ही रिजल्ट डिक्लेयर किया और इन्होंने गाइडेंस बहुत कम कर दिया, और इसी वजह से इस स्टॉक में मैसिव डिप आया और लगातार डिक्लाइन करता चला गया। बट अब हम हैं 2024 में, और जो फाइनेंशियल 2025 का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, वो 30 से 35% रेवेन्यू में इंक्रीज़ करने का इन्होंने गाइडेंस दे रखा है। और यही वजह है कि अब यहाँ पे कंपनी में, अब देखिए ये एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है आपको, कई सारे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनते दिख रहे होंगे। आप देख सकते हैं जो रेड कैंडल्स है वो इतने बड़े बड़े नहीं है, जबकि जो ग्रीन कैंडल्स वो बहुत बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 7% का, 3% का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-7% का बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नोट करने वाली बात जो है, देखिए दोस्तों कि ये जो है बड़े बड़े कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बनी रहे हैं, साथ में आप देखिए वॉल्यूम भी बड़े बड़े उसके मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, फिर से बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे वॉल्यूम भी आते दिख रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बाइंग आई है, वॉल्यूम भी उठे हैं, बाइंग आ रही है, वॉल्यूम भी उठ रहे हैं, बाइंग आ रही है, वॉल्यूम भी उठ रहे हैं। साथ ही साथ क्या, जो ये सेलिंग आ रही है, सेलिंग में आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे जो सेलिंग आई, इसमें आपको वॉल्यूम न के बराबर दिख रहे हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों, अगर मैं इसको सबको नीट करके एक बार फिर से क्लियरली दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं बाइंग में वॉल्यूम आ रही है, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं आ रही है। बाइंग में वॉल्यूम आ रही है, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं आ रही है। बाइंग में वॉल्यूम आ रही है, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं आ रही है। यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं दोस्तों, वो इसमें बाइंग कर रहे हैं, इसमें कलेक्शन कर रहे हैं, एक्युमुलेशन कर रहे हैं इस स्टॉक में, और जब भी उन्हें मौका मिलता है इस स्टॉक को गिराते हैं। आप देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में अगर मैं आपको दिखाऊं, एक और जो ध्यान देने वाली बात है, इस स्टॉक में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट आया था, रिज़ल्ट में जो पिछला जो मार्च क्वार्टर था उसमें भी रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया, और इसमें फिर से गिरावट आई। लेकिन गिरावट आने के बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी बाइंग भी आई थी, वॉल्यूम भी आया था, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन पे गिरावट आई, एक बड़ा लो लगाया, बट यहाँ से
आप देख सकते हैं हायर हाई एंड हायर लो लगाने का, फिर से हायर हाई लगाने का काम किया, और आज के दिन भी इसमें बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और बड़ा वॉल्यूम भी आया है। तो इसमें FII या DIA जो लोग भी हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें बाइंग करने का, एक्युमुलेशन करने का काम कर रहे हैं, और जब भी मौका मिलता है कुछ नेगेटिव न्यूज़ पे इसमें इस स्टॉक को गिराया जाता है, और ताकि वो नीचे के लेवल पे बाइंग कर सके। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा था, इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने का काम किया था, और स्टॉक ने चलना शुरू किया था कि जो ख़राब रिजल्ट आया उस रिजल्ट के कारण फिर से इसमें डिक्लाइन आया नीचे, एंड देन वापस से देखिए दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन का इसने रिजेक्शन लिया, और फाइनली कल के दिन इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने का काम किया, और आज जो है बड़ा कैंडल बना के इसने इस ब्रेकआउट को कंफर्म करते हुए दिखाया कहीं ना कहीं। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये टिकता है तो बहुत चांसेस है इसमें फिर से रैली रहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो मोतीलाल ओसवाल है उसने भी इस कंपनी में बाई की रेटिंग दे रखी है, और टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है लगभग 2800 रुपये का। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, CMP से बात करूँ, तो CMP से 2800 यानी कि आपका लगभग 40% से यहाँ का टारगेट बनता है। तो बिल्कुल दोस्तों डिफेंस थीम वैसे भी चल रहा है, चाहे आप मसगांव डोको लेने, कोचिन शिपयार्ड को, HAL को, BEMN को, BAN को, या आप GRSE को, सभी डिफेंस कंपनियाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और अब कहीं ना कहीं समय है MTAR टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि कंपनी ने भी इस साल का इस फाइनेंशियल का गाइडेंस बहुत ही अच्छा दे रखा है। पिछले फाइनेंशियल का गाइडेंस उन्होंने ख़राब कर दिया था, और उस वजह से इस स्टॉक में मैसिव गिरावट दिखी थी। अब वही इस फाइनेंशियल के लिए इस कंपनी ने अच्छा खासा गाइडेंस दिया हुआ है, और यही वजह है कि इस स्टॉक में बाइंग आती हुई दिख रही है। तो अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, मैंने भी इस कंपनी में रिसेंटली बाइंग की है, रिसेंटली क्या, कल ही बाइंग की है, कल बाइंग की थोड़ी सी, और थोड़ी सी बाइंग मैंने आज की है। मेरा क्या ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको खुद की एनालिसिस भी करनी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।